मोहित मल्होत्रा, अगर ये समीकरण फिट बैठते हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो सही साबित होते हैं, तब पंजाब कांग्रेस का क्या होगा और खास तौर से जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं उनकी सरकार का क्या होगा? देखिए, ये सवाल काफ़ी अहम है कि क्या अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो कितने विधायकों को अपने साथ लेकर जाते हैं। अभी भी 15 से 20 काफ़ी लॉयल कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास बड़े चेहरे हैं पंजाब में कांग्रेस के, तो क्या वो भी कैप्टन के साथ जाएंगे? लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो पूरी मुलाकात हुई है इसमें सबसे बड़ी नज़र थी किसान संगठनों की। किसान संगठन इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा कहते रहे हैं कि वो केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि किसानों के मुद्दे को सुलझाया जाए, केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए और उसके बाद आगे किसानों से बातचीत करके उनके मुताबिक कृषि कानूनों का प्रारूप तैयार किया जाए। तो कैसे इस पूरे मामले को किसान देखते हैं? क्योंकि इस वक्त पंजाब में यह हालत है कि अगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा हो या उनके नेता विधायक कहीं पर जाएं तो पीछे विरोध करने के लिए किसान पहले पहुंच जाते हैं। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह स्थिति में बीजेपी का दामन थामेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं कि वाकई इस वक्त में क्या जब बीजेपी को लेकर के पंजाब के अंदर नाराजगी है, ऐसी स्थिति में कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी में आते हैं तो वो क्यों आएंगे? कोई ना कोई तो फॉर्मूला तैयार किया गया होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।